संता नौकर से, जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं। नौकर, बाहर तो अंधेरा है। संता, अरे तो टॉर्च जलाकर देख ले कामचोर। संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? संता, मैडम फिर आप कहोगे कि नकल मारी है इसलिए। शायर घर में पत्नी के साथ बैठा था, तभी प्रेमिका का मिस कॉल आता है। शायर का प्रेमिका को शायरी में जवाब, हवा की लहरें बनके मेरी खिड़की मत खटखटा, मैं बंद खिड़की में बवंडर संभाल के बैठा हूँ। वर्मा जी की छत टपक रही थी ठीक डाइनिंग टेबल के ऊपर। प्लम्बर ने पूछा, आपको कब पता चला? वर्मा जी, कल रात को, जब मेरा पैर 3 घंटे तक खत्म नहीं हुआ। मायके से पत्नी फोन पर, वाइफ आपके बिना जी नहीं लगता। हस्बैंड, अरे पगली, जी नहीं लगता तो स्टार और कलर्स लगा कर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल हैं। एक मतदाता ईवीएम के सामने बड़ी देर तक बिना वोटिंग किए खड़ा था। पोलिंग ऑफिसर ने पूछा, भाई साहब क्या सोच रहे हो? उसने कहा, रात को किसने पिलाई वो याद नहीं आ रहा। भारत में किसी भी प्रकार की बीमारी का एक रामबाण इलाज होता है, सो जा तू, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। एक पतंग शॉप की बोर्ड पर लिखा था, 15 अगस्त पर अपनी पत्नी का फोटो पतंग पर चिपकाइए और उंगली पर नचाने का आनंद उठाइए, यह ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक के लिए है। एक आदमी ने भगवान से पूछा कि आपके लिए करोड़ों साल कितने होते हैं? भगवान ने कहा, 1 सेकंड के बराबर। आदमी ने पूछा, और करोड़ों रुपए? भगवान जी ने कहा, 1 फूटी कौड़ी के बराबर। आदमी ने कहा, तो क्या आप मुझे 1 फूटी कौड़ी दे सकते हैं? भगवान जी ने कहा, रुक 1 सेकंड। सरदार, स्टेशन जाने का कितना लोगे? रिक्शा वाला, 50 रुपए। सरदार, 20 रुपए ले लो ना। रिक्शा वाला, 20 में कौन लेके जाएगा? सरदार, तुम पीछे बैठो, हम लेके जाएगा।